समय शाहरुख खान की फिल्म जवान का लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज है। किंग खान की ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई है। फिल्म कमाई के मामले में भी इतिहास रचती नजर आ रही है। शाहरुख खान की पिछली रिलीज फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, हालांकि अब जवान ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म जवान पठान से दो कदम आगे निकल गई है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा नजर आ रही हैं। दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रही इस केमिस्ट्री को फैंस ने भी खूब पसंद किया है। फिल्म में दिखाए गए धमाकेदार सीन्स की भी खूब तारीफ हो रही है। तभी तो जवान का बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन ही रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सेकंडल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने तीसरे दिन यानी शनिवार को जवान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 74.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसमें 66 करोड़ हिंदी वर्जन, 5 करोड़ तमिल और 3.5 करोड़ तेलुगु वर्जन शामिल हैं। शाहरुख खान की फिल्म तीसरे दिन बम्पर ओपनिंग के बाद 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 53.23 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 74.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए कुल 202.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। जवान की रिलीज से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट होगी। जवान इन सभी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया है। उनकी एक भूमिका पिता की है और दूसरी भूमिका बेटे की है। फैंस ने उन्हें इन दोनों ही किरदारों में खूब पसंद किया है। फिल्म में विजय सेतुपति विलेन के किरदार में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दीपिका पादुकोण, संजय दत्त ने कैमियो रोल निभाए हैं। इसके अलावा फिल्म में सुनील ग्रोवर, संजीता भट्टाचार्य, सानिया मल्होत्रा, रिद्धि डोगरा जैसे सितारे भी नजर आए हैं।